टाइम एंड मैनेजमेंट, सभी को पता है टाइम, ठीक है, समय, जिसको नहीं पता है उसके लिए समय, ठीक है। मैनेजमेंट हम लोग व्यवस्था करने को बोलते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। सबके लाइफ में टाइम का वैल्यू बहुत है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। हर कार्य को करने का एक समय भी होता है, एक परफेक्ट टाइम होता है हर वर्क के लिए, ठीक है। अगर हम कोई काम अपना समय पे नहीं करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमको सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, ठीक है, अगर हम समय पे नहीं पहुंचते हैं तो हम क्या लॉस करेंगे? एनीवन? बॉस का डांट सुनना पड़ेगा, हो सकता है निकाल देते हैं, हो सकता है हाफ डे का सैलरी मिले, हो सकता है। नुकसान कितना हुआ अगर हम टाइम मैनेज नहीं करें तो, टाइम अगर उसको परफेक्ट पकड़े नहीं तो, है ना नुकसान? टू मच। अगर हम टाइम पे चलें, टाइम को कैच करें, टाइम के साथ चलें, तो ऑफ कोर्स कि हमको बहुत सा बेनिफिट होने वाला है ना। कुछ बेनिफिट्स हम बताएंगे टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। क्या क्या हमको बेनिफिट्स हो सकता है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, फर्स्ट लेस स्ट्रेस। अब लेस स्ट्रेस कैसे होगा, मतलब कम तनाव, ठीक है। अब कम तनाव कैसे होगा अगर हम लोग टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो, टाइम बचाएंगे तो, पहला चीज के जो फ्री टाइम मिलेगा हम उसमें अपना हॉबीज ट्राई कर सकते हैं, खुश रहने के लिए मूवी देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, जो भी है, ठीक है, जो अपना आपकी आपको करके अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मोर फ्री टाइम, ज्यादा से ज्यादा खाली समय हमको मिलेगा अगर हम सारा काम समय पे करते हैं तो, फर्स्ट थिंग हम लोगों के पास मोर फ्री टाइम बचेगा ना। अगर हम अपना ऑफिस का काम 8 से 5 के बीच में कंप्लीट कर ले तो ऑफकोर्स हमको रात का समय फ्री मिलेगा ना, शाम का समय। अगर उस काम को हम टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं तो क्या होगा, ऑफिस का काम हमको रात में घर पे करना पड़ेगा, तो हम लोग का जो टाइम है कहाँ गया, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, लेस ऑफ एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि कम अपना एनर्जी जो भी है लेस एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा, आपका एनर्जी सेव होगा, है कि नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लेस एफर्ट मीन्स एग्जांपल हम दे देते हैं यहाँ पे, कोई कार्य हम किए पोछा ही लगाए, ठीक है, एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल जो सबके समझ में आते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के समझ में आए किसी के समझ में नहीं आए, पोछा लगाते हैं, तो अगर हम टाइम से उसको कंप्लीट कर लेंगे, एक होता है हर चीज करने का एक समय होता है, जैसे कि अभी हम बताए थे ऑफिस का काम, ठीक है, अगर हम उसको समय पे खत्म कर लेंगे तो लेस एफर्ट लगाना पड़ा ना, हमको 8 से 5 तक ही लगाना पड़ा ना। बट अगर हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, हमको 6 बजे के बाद भी काम करना पड़ेगा, हो सकता है रात को 9 बजे तक, तो ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मैनेज कर लेंगे टाइम तो हम लोग का समय जो भी एफर्ट है कम हो जाएगा। फोर्थ थिंग, इम्प्रूव्स आवर रेपुटेशन। अगर हम कोई काम समय पे करवा लेते हैं, बॉस हमको दिया कोई कार्य, या मम्मी पापा ही, कोई भी फ्रेंड अगर हम लोग को बोलता है कि मार्केट से ये सामान लेके आओ या जो भी, तो ये रेपुटेशन बन जाता है। कोई काम अगर आप समय पे खत्म करते हैं तो ऑफकोर्स कि आप अच्छे माने जाते हैं। अगर आप 1 घंटे का काम 4 घंटे में खत्म करेंगे तो ऑफकोर्स आपको सब बोलेगा लेजी है, होगा ना, नकारा है, नाकाबिल है, जो भी है आ जाएंगे आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रेपुटेशन जो है, अगर टाइम आप मैनेज करोगे तो आपका रेपुटेशन गुड हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, है। थर्ड, फिफ्थ थिंग, मोर अपॉर्चुनिटीज। जो भी अगर काम अगर समय पे खत्म करते हैं या फिर टाइम मैनेज करते हैं तो हम लोग अपॉर्चुनिटीज बहुत हो जाएगी। जैसे कि मान लेते एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अभी काम मेरा खत्म हो गया, शाम का समय है मेरे पास, ठीक है, तो ऑफ कोर्स
पॉइंट फॉर रिटिकम मैम ये ठीक है बहुत ज्यादा आ रहा था हर लाइन में ठीक है वन मोर थिंग आई कांटेक्ट आपका स्टूडेंट्स के साथ हो रहा था स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा था बस लग रहा था आपको अपना कंटेंट टॉपिक खत्म करना